दोस्तों, आपने मोगली और टार्जन जैसी कई मूवीज में देखा होगा कि जब एक इंसानी बच्चे को जंगल में जंगली जानवरों के बीच पाला जाए तो उसमें कैसे जंगली जानवरों जैसे लक्षण आ जाते हैं और उसका बिहेवियर भी जंगली जानवरों जैसा ही हो जाता है। लेकिन 1930 में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने ठीक इसका उल्टा करने का सोचा। विंथ्रोप नाम का यह वैज्ञानिक जानवरों के बिहेवियर को स्टडी कर रहा था। विंथ्रोप देखना चाहता था कि अगर एक चिंपैंजी के बच्चे को इंसान की तरह बड़ा किया जाए और उसके साथ इंसानों जैसा ही बिहेव किया जाए तो क्या वो एक इंसान में बदल जाएगा, क्या उसमें इंसानी बिहेवियर डेवलप होगा और क्या वो इंसानों की तरह जीना सीख सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक चिंपैंजी को चुना क्योंकि चिंपैंजी इंसानों के बिहेवियर से सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं और चिंपैंजी नई चीजें सीखने में भी बहुत तेज होते हैं। इसलिए उसने एक 7 महीने की फीमेल चिंपैंजी गुआ और अपने 10 महीने के बेटे डोनाल्ड को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। लेकिन विंथ्रोप इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा उसके बेटे के लिए कितना भयानक हो सकता है। विंथ्रोप ने इस एक्सपेरिमेंट में अपनी पत्नी को भी शामिल किया। सबसे पहले एक जू से चिंपैंजी गुआ को गोद लिया गया और उसे डोनाल्ड से उसकी बहन बनाकर मिलाया गया। दोनों को एक साथ रखा जाने लगा, उनको भाई बहन की तरह ही पाला जाने लगा। दोनों को एक जैसे कपड़े देना, एक जैसा खाना खिलाना और एक ही जैसे उनके साथ बिहेव करना। गुआ और डोनाल्ड भी बाकी बच्चों की तरह एक साथ खेलते, वक्त बिताते और एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करते। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट सही जा रहा था, ठीक जैसा विंथ्रोप ने सोचा था। गुआ में इंसानी प्रभाव आने लगा। वक्त के साथ गुआ चलना सीख गई, इंसानी हाव भाव भी उसके चेहरे पे दिखने लगे, इंसानों की तरह हंसना, इंसानों की तरह रोना, गुस्सा करना। लेकिन डोनाल्ड के बर्ताव में कुछ अजीब चेंजेस देखे गए। जहाँ 6 महीने के बाद गुआ खुद से कपड़े पहन सकती थी, खुद से खाना खा सकती थी, उसका बर्ताव बिल्कुल एक बढ़ते हुए इंसानी बच्चे जैसा ही था। गुआ बिना मदद के बाथरूम में भी जाने लगी। लेकिन इधर डोनाल्ड के लिए चीजें उलझती जा रही थी। अपने बेटे डोनाल्ड का ऐसा बिहेवियर देखकर विंथ्रोप की चिंता बढ़ गई। डोनाल्ड में चिंपैंजी जैसे लक्षण आने लगे। जहां उसकी उम्र के बच्चे कम से कम 50 शब्द बोल सकते हैं, वहां वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गुआ एक नॉर्मल बच्चे का जीवन जी रही थी, लेकिन डोनाल्ड ने अपने माता पिता को काटना, चिल्लाना, बेवजह गुस्सा करना और जंगली जानवरों की तरह गुर्राना शुरू कर दिया था। इवन डोनाल्ड चलता भी रेंग कर था, वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। डोनाल्ड के साथ ये सब होता देख के अब वक्त था कि विंथ्रोप को अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई फैसला लेना होगा, इससे पहले कि डोनाल्ड पूरी तरह एक जंगली जानवर बन जाए। तो 9 महीने तक चले इस एक्सपेरिमेंट को विंथ्रोप ने आखिरकार रोकने का फैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे मेन रीजन था, विंथ्रोप देखना चाहता था कि एक इंसान और एक बंदर के बिहेवियर में कितना फर्क होता है। गुआ को वापस जहां से उसको लाया गया था जू में उसके चिंपैंजी माता पिता के पास भेज दिया। वहां भेजने के बाद कुछ दिनों तक गुआ के सामने कई सारी परेशानियां आई क्योंकि उसे एक इंसान की तरह पाला गया था, तो वापस वो अपने जंगली माता पिता के पास आकर खुश नहीं। गुआ कंफ्यूज नजर आ रही थी और हुआ ये कि कुछ महीनों बाद एक बीमारी की वजह से गुआ की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड पूरी तरह एक बंदर बन चुका था जिसका असर उस पर लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता था। विंथ्रोप ने डोनाल्ड को वापस इंसान बनाने की काफी कोशिशें की और जैसे जैसे वक्त के साथ डोनाल्ड बड़ा हुआ उसका नॉर्मल बिहेवियर वापस आ गया। डोनाल्ड ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने ही पिता की तरह उसने भी मनोविज्ञान की स्टडी आगे की। लेकिन एक्सपेरिमेंट की जो यादें हैं उन्हें मिटा पाने में डोनाल्ड असफल रहा और 48 की एज में डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसी वजह से उसने आगे जाकर सुसाइड भी कर लिया। विंथ्रोप के इस एक्सपेरिमेंट को इतिहास के पन्नों में एक डिजास्टर की तरह गिना जाता है। डोनाल्ड की इस कहानी को द मंकी बॉय की कहानी के नाम से भी जाना जाता है।